कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मेजोरिटी क्या कर रही है, तुमको भी वही करने का। यार मेरी क्लास के अंदर 60 बच्चे हैं, 58 बच्चे मजे कर रहे हैं, किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, तो मैं क्यों करूं, मेरे को भी मजे करने का है। डिस्टेंस मेंटेन करिए, ये मीठा जहर है, कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाने वाला है ना। और ऐसे लोगों का नाम मीठा जहर ही रखिए ना, पता पड़ जाएगा कि वो एक्चुअली क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स लाइफ में होता है कि सर मैं BSc कर रहा हूँ, सर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, सर मैं BCA कर रहा हूँ, सर मैं वो डिग्री कर रहा हूँ, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को मैं कैसे मैनेज करूँ, सर मैं कर नहीं पाता हूँ क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ें मैनेज नहीं होती, मुझे बड़ा दुख होता है ऐसे क्वेश्चन का आंसर देते वक्त, पर क्या करें, मजबूरी है, आंसर देना पड़ रहा है। इसमें यहाँ पर एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर कॉलेज स्टूडेंट्स को देखा जाए तो बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि साल भर पढ़ाई करते हैं, बाकी स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम से पहले पढ़ते हैं, बस वो मेंटली बिजी होते हैं कि यार मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं BSc कर रहा हूं, मैं BTech कर रहा हूं, पर एक्चुअली में वो बिजी नहीं होते, वो फ्री होते हैं क्योंकि उनको कॉलेज के मजे करने होते हैं, फ्रेंड्स के साथ घूमना, कुछ ना कुछ दूसरे काम चलते रहते हैं। जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी या कुछ एक्स्ट्रा करना अपने करियर के लिए, वहां पे क्वेश्चन उठ जाता है, नहीं मैं तो ग्रेजुएशन कर रहा हूं, मेरे पास टाइम नहीं इन सब चीजों के लिए। मतलब अगर आप दिन में 2 घंटे कंसिस्टेंटली किसी एग्जाम की तैयारी करने में लगाते हो, यार 24 घंटे में से सिर्फ 2 घंटे की बात कर रहा हूं, बाकी कॉलेज में तो वैसे भी पढ़ाई बहुत कम होती है और मजबूरन तुम जाके अगर बाई चांस किसी क्लास में बैठते भी हो तो भी आप अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी क्लास में भी कर सकते हो। बीच में बहुत बार ऐसा होता है बच्चों की कंप्लेन आती है, सर मैं जिस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ ना सर, वहाँ टीचर्स पढ़ाते नहीं है, हमारी क्लासेस नहीं लगती। यार तो नहीं लगती तो अच्छी बात है, तो अपने एग्जाम की तैयारी कर, दूसरा कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर भाई, कहीं ना कहीं अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। पर मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई आदमी फ्री है उसको कोई काम बोलो आप जाके, तो उसके दिमाग में 10 काम याद आ जाते हैं, नहीं नहीं मेरे को तो ये भी करना है इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता। सेम स्थिति आप लोगों की है कि जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, कुछ नया करना अपने करियर के लिए, जब भी उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, आपके दिमाग में से ये आ जाता है कि नहीं मैं तो ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है इसके लिए, तो अलग से बहुत टाइम मैनेज करना पड़ता है। अरे भैया शुरू तो करके देखो। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर आप BSc कर रहे हैं या BTech कर रहे हैं या कोई से भी डिग्री कर रहे हैं, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा कुछ न कुछ करना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ही तैयारी करो या तुम कुछ एक्स्ट्रा दूसरा भी करो, पर करो, अपने दिमाग को कहीं ना कहीं इस तरह से ट्रेंड करो कि भैया हमें 2 से 3 घंटा एक्स्ट्रा किसी न किसी पे काम करना चाहिए। क्योंकि आजकल जो लोग बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर मैं 12th के बाद BSc करने का सोच रहा हूँ, पर मेरे सीनियर बोलते हैं BSc के बाद कोई स्कोप नहीं है। सर मैं BTech करने का सोच रहा हूँ, बहुत सारे बोलते हैं कि BTech के बाद कोई स्कोप नहीं है। अरे भाई क्यों स्कोप नहीं है? क्योंकि वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक्स्ट्रा कुछ करोगे तो स्कोप अपने आप बनते हैं। क्लियर है? मेहनत करने वाले लोग ऐसे भी हैं जो कुछ न कुछ कर जाते हैं और एग्जाम निकाल जाते हैं, और नहीं मेहनत करने वाले तो क्या है कि BTech के अंदर भी फेल हो जाते हैं, BSc के अंदर भी उनके बैक आ जाती है। तो समझने की जरूरत है, अपने समय का सदुपयोग करना शुरू करिए। सबसे बड़ी चीज होती है टाइम मैनेजमेंट। अगर 24 घंटे का हिसाब लगाया जाए, यार 6 से 7 घंटे सोने में निकाल दिए, 2 से 3 घंटे नहाने धोने में निकाल दिए, 5 से 6 घंटे कॉलेज में निकाल दिए, यार जोड़ो कितने घंटे होते हैं भैया। अगर आप जोड़ के देखोगे 6 और 5 11 और 2-3 घंटे और निकाल दो, लगभग 15 घंटे के आसपास आपके पास निकल गए इन सब चीजों में। उसके बाद भी 9 घंटे आपके पास बचते हैं। अगर उसमें से 3 घंटे भी आपने यहाँ पे एग्जाम के अंदर या कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए निकाल दिए, तो यार आपको जीवन में कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है, है ना। ये जो बेरोजगारी की मानसिकता होती है सिर्फ दिमाग में होती है, अगर हम कुछ करना शुरू करेंगे ना तो सब चीजें हो सकती है। तो ये माइंडसेट आपको डेवलप करने की जरूरत है कि अगर मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं, जो भी स्टूडेंट BSc फर्स्ट ईयर कर रहा है, BTech फर्स्ट ईयर कर रहा है या किसी भी ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर में है, भैया शुरू कर दो फर्स्ट ईयर से। अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी एग्जाम की तैयारी फर्स्ट ईयर से ही शुरू कर देता है, मैं गारंटी देता हूं उसको कोई नहीं रोक सकता है। पर दिमाग में से ये जो बहाने हैं ना, इसको निकालना बंद करिए कि मैं कॉलेज में मैनेज नहीं। मैं जब ऑनलाइन क्लास लेता हूँ ना, कभी कभी पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो बच्चे मुझे बोलते हैं सर BSc के मिड टर्म चल रहे हैं, सर प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे हैं, सर मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने कहा कितने घंटे प्रैक्टिकल होते हैं भाई तेरे? सर 5 से 6 घंटे तो हम कॉलेज में, उसके अलावा क्या करता है भाई तू?
बोले सर कुछ नहीं, बस खाना वाना बनाना और सर छोटा मोटा दूसरे काम हो जाते हैं। सर मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए टाइम नहीं निकाल पाता हूँ। मैंने कहा भैया तुम क्या हो रहे हो, मानसिक रूप से बिजी हो रखे हो। ऐसे लोग भी अपने माता पिता को देखिए, अगर आप अपने फादर मदर को देखेंगे, मम्मी सुबह 2 से 3 घंटे काम करती है, शाम को भी 3 से 4 घंटे काम करती है, कभी तबीयत भी खराब होगी ना तो उनको थकान महसूस नहीं होती है ना, वो वापस आपके लिए काम करती है क्योंकि उनका आपके प्रति प्रेम है। सिमिलरली आप अपने पिताजी को देखिए, अगर वो कुछ ना कुछ काम करे, कभी जाइए शॉप पे या कहीं, अगर वो गवर्नमेंट जॉब करे जाके देखिए कितने घंटे काम करते हैं। आप एक काम करिए, बैंक में जाइए और बैंक में जाके देखिए कि वहां पे जो काम करने वाला क्लर्क होता है या जो ऑफिसर होता है, सिर्फ कुछ नहीं करना आपको, जाके बैठ जाना वहां पे, देखना 10 बजे लोग काम करना शुरू करते हैं, शाम को लगभग 5 से 6 बज जाती है, लोग लाइनों में लगे रहते हैं और दिन भर काम करते रहते हैं, कहीं थकान महसूस नहीं होती है। अब तुम्हारे पास काम क्या है भैया, तुम्हें पढ़ना है, तुम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो क्या? हाँ मतलब 2 से 3 घंटे 4 घंटे कॉलेज में चले गए, उसके अलावा 2 से 3 घंटे अगर खुद ने सेल्फ यहाँ पे मेहनत कर ली ना तो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पर तुम्हारे पास तो बहाने हैं कि नहीं सर कॉलेज की पढ़ाई हो रही है, मेरे पास एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए टाइम नहीं है। तो इन बहानों से अगर आप बचोगे ना तो जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। और भैया मेरी बात सुनो, ग्रेजुएशन के बाद तो किसी न किसी कंपनी में जॉब करना ही पड़ेगा, जॉब करोगे 6-6, 7-7 घंटे लगना पड़ेगा, तो क्यों ना आप अभी से शुरू कर दो फर्स्ट ईयर से ही, और 3 से 4 घंटे अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं नया कुछ करने में लगाइए, तो यार आप जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। क्या बातें ऐसी जो ध्यान रखने की जरूरत है? बेस्ट टू यूज ऑनलाइन मोड फॉर द प्रिपरेशन। हमेशा आपको ऐसा लगता है कि सर मैं तो सर IIT जेम एग्जाम की तैयारी करना चाहता हूं, पर सर हमारे शहर में तो कोई कोचिंग नहीं। भाई ऑनलाइन तैयारी करो भाई, अगर आप SSC की तैयारी करना चाह रहे हैं, बैंक एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, PSC की, सब कुछ आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है भाई। लो साथ साथ में ग्रेजुएशन भी चल रहा है, इस एग्जाम की तैयारी भी हो रही है। पर कहने के डेडिकेशन लगाना पड़ेगा आपको, डेडिकेशन लगाओगे ना और जब आप कोई क्लास ज्वाइन करोगे तो वो जो माहौल है ना वो खुद ही आपको मोटिवेट कर देगा और अपने आप आपको लगेगा कि नहीं मुझे, पर शुरू तो करना पड़ेगा। जब तक शुरू नहीं करोगे तब तक मोटिवेशन नहीं डेवलप होगा, तो ये ध्यान देने की जरूरत है। यूज ब्रेक्स, इंटरवेल्स एंड वेकेशन फॉर द प्रिपरेशन। भैया आपके पास छुट्टियां हैं, इंटरवेल्स होते हैं, यार मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कॉलेजेस के अंदर तो पढ़ाई नहीं होती है, और पढ़ाई भी होती तो बहुत कम दिन होती है। अगर आप हिसाब लगाओ 365 दिन में से लगभग 120 से 130 दिन क्लासेस होती है, बाकी तो टाइम पास ही चलता है, तो उस दिन को यूटिलाइज करिए आप, है ना। और अगर आप अपने पेरेंट्स को बोलेंगे ना कि मैं इस एग्जाम की तैयारी करना चाहता हूँ, मैं ये कुछ एक्स्ट्रा करना चाह रहा हूँ, आपके माता पिता खुश होंगे कि यार चलो मेरा बेटा कुछ एक्स्ट्रा करना चाह रहा है ना। कभी ये मत सोचिए कि नहीं वो क्या सोचेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, मेरे फ्रेंड्स तो मजे ले रहे हैं, मैं फालतू एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट्स लगा रहा हूँ। अरे एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएगा तो आगे पहुंचेगा, अगर एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाएगा तो तेरी हालत भी उनके जैसी होने वाली है। तो ये मत देखिए, क्योंकि नॉर्मली होता है ये कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मेजोरिटी क्या कर रही है, तुमको भी वही करने का। यार मेरी क्लास के अंदर 60 बच्चे हैं, 58 बच्चे मजे कर रहे हैं, किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्यों करूं, मेरे को भी मजे करने का है। भैया वो अभी मजे करेगा बाद में समस्या आने वाली है, तू अगर मेहनत करेगा तो बाद में तेरे को उसका फायदा मिलने वाला है। मजे करो मना ही नहीं है, पर कहीं कहीं समय निकालिए एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए, राइट। सो ये ध्यान देने की जरूरत है। ज्वाइन सिमिलर ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट्स को ज्वाइन करिए जो कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं। ऐसे गधों के साथ मत रहिए, मैं माफी चाहूंगा ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूं, पर कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसे नेगेटिव लोग होंगे जो आपको डीमोटिवेट करेंगे, अरे कुछ नहीं है, फालतू एक्स्ट्रा टाइम मत वेस्ट कर, कोई मतलब नहीं है, मजे कर, ये जिंदगी फिर आने वाली नहीं है, चल पिक्चर देखने चलते हैं, चल ये करते हैं, चल वो करते हैं, आपको नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाएंगे। ऐसे लोगों से दूर रहिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए, ये मीठा जहर है, कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाने वाला है ना। और ऐसे लोगों का नाम मीठा जहर ही रखिए ना, पता पड़ जाएगा कि वो एक्चुअली क्या है। यूज अर्ली मॉर्निंग आवर्स, मॉर्निंग में जल्दी उठ के अपने समय का सदुपयोग करिए। मैं खुद बताना चाह रहा हूँ, मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, है ना, सुबह सुबह 1 घंटा टेबल टेनिस खेलता हूँ, उसके बाद फिर मेरे दूसरे काम स्टार्ट करता हूँ, राइट। आप अपने माता पिता को देखिए, मम्मी को देखिए घर में जो काम करती है आपके लिए। जब आप स्कूल जाते हो ना सुबह, है ना, जब आप छोटे थे और जब आप स्कूल जाते थे तो आपकी मम्मी 6-6:30 बजे उठ के आपके लिए टिफिन बनाती थी, राइट। उनका डेडिकेशन देखिए, अगर वो डेडिकेशन आप में पैदा हो गया ना तो जीवन में आप भी बहुत अच्छा कर जाओगे, क्लियर है। तो हमेशा सीखिए अपने बड़ों से, है ना, है ना। हमारे जो माता पिता हमारे लिए जो करते हैं ना उसको हम ग्रांटेड लेते हैं कि यार इनका तो कर्तव्य है, पर जब तुम बनोगे ना तुम्हें पता पड़ेगा कि वो डेडिकेशन क्या चीज़ होती है और वो एक्सपेक्टेशन क्या चीज़ होती है। जो माता पिता तुम्हारे लिए कुछ करते हैं ना वो कोई ना कोई छोटी मोटी एक्सपेक्टेशन आपसे भी रखते हैं कि बच्चा जीवन में आगे बढ़ के हमारा ध्यान रखेगा, पर उसके लायक बनने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है ना। नालायक जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकता है,
क्लियर है? तो हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की कोशिश करिए और घर में एग्जांपल्स अवेलेबल है, उनको देखिए, उनका काम देखिए, उनका डेडिकेशन देखिए, उनसे सीखोगे तो जीवन में आप बहुत कुछ आगे कर सकते हो। क्लियर है? तो आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये जो समय है स्टूडेंट लाइफ का, इसको वेस्ट मत करिए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात है जो कि कहीं ना कहीं आपको नोट करने की जरूरत है। लिटिल कंप्रोमाइज ऑन कॉलेज फंड, है ना, थोड़ा कंप्रोमाइज करिए, है ना। कुछ नहीं इन मजों में, है ना, मजे करना चाहिए पर इतना भी नहीं करना चाहिए कि उससे अपना करियर दांव पे लग जाए, है ना। करियर को दांव पे मत लगाइए। होता क्या है, जब कोई स्टूडेंट स्कूल से कॉलेज में आता है तो उसके सपने बड़े होते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा, पर जैसे ही कॉलेज में अपने फ्रेंड्स को देखना शुरू करता है, वो कहीं ना कहीं उन्हीं के साथ ऐसा हो जाता है कि वो अपने सपनों को भूल जाता है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझने की जरूरत है ना। मजों में इतना मत इन्वॉल्व हो जाइए कि आपका करियर खराब हो जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूटिलाइज द लाइब्रेरी। कभी कभी ऐसा होता है, सर आप बोलते हो कि कॉलेज में जो एक्स्ट्रा टाइम होता है उसमें पढ़ाई करो। अरे लाइब्रेरी अवेलेबल है, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है लाइब्रेरी का, और जिस दिन आपने लाइब्रेरी में दो दो घंटा बैठना शुरू कर दिया ना आपके कॉलेज की, आपका इंप्रेशन ही अलग बन जाएगा कि यार बच्चा कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है। इवन टीचर्स भी आपकी हेल्प करेंगे, फ्रेंड्स भी आपकी हेल्प करेंगे, आपके प्रति माइंडसेट लोगों का चेंज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप एफर्ट्स लगाना शुरू करिए, है ना। और मैं कहना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट बीएससी, उसको आईआईटी जेएम एग्जाम की तैयारी या बैंक एसएससी की तैयारी, यार बीएससी वालों को तो कुछ ना कुछ करना ही चाहिए कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी या कुछ एक्स्ट्रा आपको करना चाहिए, सो देट कि आप जीवन में कुछ अच्छा हासिल कर पाए। 3 साल बाद आपको यह पता पड़ेगा कि यार आपने अपना समय खराब कर दिया, राइट, है ना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, अरे गुरुजी आप बोलते हैं कि एमएससी करो, क्या मतलब एमएससी के? मेरे भैया समय के साथ साथ चीजें चेंज होती जा रही है। आज से 10 साल पहले पॉलिटेक्निक और आईटीआई बहुत अच्छी डिग्री मानी जाती थी, उसके बाद लगता था कि एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर आज के समय उनकी इतनी वैल्यू नहीं। आज के समय थोड़ा इंजीनियरिंग को अच्छा माना जाता है, आने वाले समय में मास्टर्स को अच्छा माना जाएगा कि यार इस बंदे ने एमएससी मैथ्स कर रखी है, एमएससी केमिस्ट्री, या एमटेक कर रखा है, या ये कर रखा है। और ज्यादा पढ़ना कोई नुकसानदेह नहीं है, जितना आगे आप पढ़ोगे उतना ही मैच्योरिटी लेवल आएगा, उतना ही आपको नेटवर्क मिलेगा, उतनी ही अपॉर्चुनिटीज आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, तो कोई गलत नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भैया अगर आप मास्टर्स का ऑप्शन मिलता है तो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत रुकिए उसके अंदर। और बीएड का ऑप्शन में तो वो भी करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कि बीएससी के बाद मेरे को बीएड करना, मास्टर बनना, भाई बन, कोई मना कर रहा है, पर करिए कुछ ना कुछ। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, मेरा आपसे एक ही संदेश है कि ग्रेजुएशन के साथ साथ फर्स्ट ईयर से ही आपको लग जाना चाहिए, नहीं तो भैया समय खराब कर रहे हो, माँ बाप का पैसा भी खराब कर रहे हो। मेरी इस बात से कितना सहमत है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और आप क्या करने वाले हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसमें अगर आप आईटी जेएम सीएसआईआर नेट एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मेरी बुक अमेज़न पे अवेलेबल है, उसको बाय कर सकते हैं। मेरे और भी संडे मोटिवेशन वीडियो हैं जो कि स्टूडेंट लाइफ को लेके हैं, आपकी लाइफ को मैं चेंज करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट लाइफ में आप कहीं ना कहीं सीरियस बने, आप जीवन में आगे बढ़े, इसके लिए मैं बहुत सारा काम कर रहा हूं। आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करते हैं। थैंक यू।